एक्चुअली मेरा जो बेटा है वो अब कितना बड़ा हो चुका है, तो उससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चंस मेरे जहन में अब आ नहीं रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप जो बातें आज कर रही थी, तो थिंकिंग बैक टू व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, जो छोटा बेबी था, उसके बाद जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हुई, तो काफी चीजें मुझे याद आती हैं कि जिससे मुझे दे शुड हैव बीन इंडिकेटर्स फॉर मी के बाद में लेटर ऑन उसको रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी डेवलप नहीं हो रही थी। एक्सप्रेसिव में वो अभी भी बेचारा स्ट्रगल करता है, तो लेकिन इवन एज अ स्मॉल चाइल्ड रिसेप्टिव लैंग्वेज उसके जो डेवलप नहीं हो रही थी, उसके काफी ज्यादा इंडिकेशन मिल रहे थे, जो कि सिंस ही वॉज माई फर्स्ट, और इतनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेवलपमेंट डिलेज वैसे भी नहीं थी, तो आई कुड नॉट कैच ऑन टू दैट। लेकिन आपने जो अभी जो इन बच्चों ऐसे बच्चों के साथ कोप करने के जो तरीके बताए हैं, पर्टिकुलरली अबाउट टीचिंग देम हाउ टू प्ले विद अदर किड्स, क्योंकि जो बच्चे यूजुअली एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव डिलेज उनकी लैंग्वेजेस में होते हैं, और वैसे भी ऑटिज्म का एक फीचर ये होता है कि उसमें ये प्रॉब्लम जरूर आता है कि दे डोंट नो हाउ टू प्ले विद किड्स। माय सन इवन नाउ डज नॉट नो हाउ टू प्ले विद किड्स। काफी इम्प्रूवमेंट आई है जब उसका छोटा भाई जब से बड़ा हुआ है, तो उसके साथ वो खेलता है, लेकिन अभी भी उसको टर्न टेकिंग में इश्यूज होते हैं और कॉपरेशन में कुछ इश्यूज होते हैं इस तरह के कि जिसमें मतलब वो अपनी हैबिट्स में फंस जाता होता है, स्टबन हो जाता है, मतलब मेच्योरिटी उसकी उस लेवल पे नहीं है जो इस एज के बच्चे यूजुअली जिस लेवल पे होते हैं। तो हाउ वुड यू एडवाइज मी टू गो अबाउट टीचिंग हिम हाउ टू टेक टर्न्स एट दिस एज? अच्छा, आप ये देखें, जब हम अक्सर गेम्स खेलते हैं, जो कम्पिटेटिव गेम्स होते हैं, जिन गेम्स की मैंने बात की, जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, मैंने आपको कहा था कि आप ये मत सोचे कि बच्चा छोटा है बड़ा, आप ये चीजें किसी ना किसी कैपेसिटी में बच्चे के साथ कर सकते हैं। अब देखें, पोएम्स या कोई और चीज आप बच्चे के साथ रीड कर सकते हैं, वो कुछ जो जेंगल्स होते हैं बच्चे के साथ रीड कर सकते हैं। आई मीन यू कैन डू स्टिल दोस थिंग विद अ चाइल्ड, स्टोरी भी आप रीडिंग स्टिल बच्चे के साथ कर सकते हैं, इट्स नॉट कि नहीं आप कर सकते, ये सब चीजें कर सकते हैं। फिर जो स्विमिंग जिस किस्म के गेम है, तो उसमें आप पहले एक ने बारी करी फिर दूसरे ने बारी करी, रनिंग पहले एक ने बारी की फिर दूसरे ने बारी की। जो फुटबॉल होता है, उसमें हमने दो लोगों ने खेलना होता है ना, फुटबॉल अकेले नहीं खेलता, दो लोग खेलते हैं, एक ने उसको पास किया, उसे उसको पास किया, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर आता है। फिर क्रिकेट में भी आ सकता है, ठीक है, क्रिकेट ने। फिर जैसे हम रनिंग की गेम है कि बच्चे ने फेंका, पहले एक के पीछे भागेंगे फिर दूसरे के पीछे भागेंगे, पिकाबू, या पिकाबू की बड़ी फॉर्म हाइड एंड सीक है, एक छुपा जी दूसरे से बिल्कुल ढूंढा, दूसरे छुपा से ढूंढा। फिर आप ये कर सकती हैं कि टर्न टेकिंग, जब आप उनके साथ काम करती हैं ना, जो आप टेबल सेट करती खाने के लिए, तो आप दोनों को बोले कि बारी बारी चीजें लेकर आए, पहले एक लेकर आए फिर दूसरा जी लेकर आए। फिर आप एक और चीज कर सकती हैं कि आप बिल्कुल आपको ट्रे पास कर दे, अगर ट्रे थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगती है, फिर चम्मच पास कर दे, मतलब आपने पानी बिल्कुल सबको पास करना होता है ना आपने, या फिर ट्रे सबको पास करनी होती है, जो बोल होता है सालन का वो सबको पास करना होता है। तो छोटी एक्टिविटीज के थ्रू जो है ना, आप ये चीजें कर सकती हैं, तो बच्चे जो वो बेशक डर भी होगी, लेकिन टेक्निक थोड़ी एडवांस हो जाएगी, लेकिन एक्टिविटीज मोर और लेस, या चीज मोर और लेस वही रहती है, ठीक सेम ही होंगी। है, तो ऐसा अच्छा, होता है। एक चीज जो आई फील जो ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है ना, व्हेन इट कम्स टू प्लेस दैट ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड वेरी इजीली। और जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फिर वो एग्रेसिव हो जाता है। जब वो एग्रेसिव हो जाता है तो इवन अपने मतलब जैसे भाई को डांटेगा या नेम कॉलिंग करेगा या उसको मारने के लिए हाथ उठाएगा। तो ये जो एक पर्टिकुलर इशू है, इससे मैं जरा ज्यादा परेशान होती हूँ कि मतलब वो जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, देन नेचुरली वो फिर उसकी पढ़ाई में भी आती है, उसको और स्किल्स अटेन करने में भी उसके लिए एक इम्पेडिमेंट बनती है ना। तो उसकी आई फिजिकल डोंट नो हाउ टू एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, कितनी फिजिकल एक्टिविटी आपके बेटे की। फिजिकल एक्टिविटी बस इतनी है कि ही गोज फॉर जॉग एंड अ वॉक शाम को। स्पोर्ट्स वो नहीं खेलता है बिकॉज आई टोल्ड यू कि वो ही डज नॉट प्ले स्पोर्ट्स एट ऑल। उससे पहले जिम होता था, जिम अब खत्म हो गया, स्विमिंग खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। तो राइट नाउ तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी कभी लो नहीं थी जितनी अब हो गई है। फ्रस्ट्रेशन वहां से निकल रही है, क्योंकि देखिए इसमें इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एनर्जी, इट्स मेंटल एनर्जी एज वेल। तो फिर हमें इस एनर्जी को डाइवर्ट करना होता है ताकि उसका पॉजिटिव आउटलेट निकले। तो पॉजिटिव आउटलेट देखिए, ठीक लड़के तो वैसे भी थोड़े स्पोर्टी होते हैं, थोड़े अग्रेसिव होते हैं, और फिर जब प्यूबर्टी की एज आती है तो फिर और ज्यादा होते हैं। तो हम इसमें यही कोशिश करते हैं, वो जितनी ज्यादा कर सके, जितनी ज्यादा बिल्कुल फिजिकल उनकी एक्टिविटी हो सके,
अगर नहीं तो अगर आपको अवेलेबल है कराटे को स्टार्ट करवा दें, किक बॉक्सिंग स्टार्ट करवा दें अगर आपको ये अवेलेबल है, क्योंकि इंडोर है और आप घर में भी उसके साथ कर सकते हैं ये चीजें। सो अगर आपको कोई अवेलेबल हो सकता है अपने एरिया में, ठीक है, तो उसको आप जो है उसमें किक बॉक्सिंग में कर दें, स्क्वाश में अगर उसको कर सकते हैं, बैडमिंटन में कर दें। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से जो जिस किस्म के लड़के, मतलब जो लड़के होते हैं ना, उनको ये कराटे किक बॉक्सिंग ज्यादा वो करती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसमें ना अपने 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 ओपोनेंट को वो करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आपने जो करना था वो ना बड़ा कंट्रोल वे में करना होता है, मतलब जख्मी नहीं करना होता, वो कंट्रोल में बच्चे के अंदर वो आता है। तो ये बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए। और मतलब हमारे साथ हमारे टीचर हैं सब, वो बहुत बच्चों पे मेहनत करते हैं और सब बच्चे के साथ बहुत खुश होते हैं। आई मीन उन्होंने कोई स्ट्रेच करना, बच्चे बड़े शौक से स्ट्रेच करते हैं, वो फ्रंट जंप है, बैक जंप है, ये भागना वो भागना, बच्चे बहुत खुशी से कर रहे होते हैं। और रीजन यही होती है कि कोई अगर आपको अवेलेबल होता है, कोई यंग सा कोई लड़की आपको अगर अवेलेबल होता है, तो उसको कहें कि इनको कराटे वगैरह सिखा दें, ताकि वो थोड़ा एक एज मेट भी हो जाएगा, सोशलाइजेशन भी इंप्रूव होगी और उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन भी वहां पे निकल जाएगा। जी डॉक्टर सलमान, कोई आपको क्वेश्चन है? आई होप जी आपको आइडिया हो गया होगा। लेकिन इंशाल्लाह ये कि चीजें आप देखिए मोर और लेस वो लेक्सिंग की इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, थोड़ा उसको अपने एडवांस कर देना है कि पिकअप को आपने जी गाइडेंस ही कर दिया है सर ऐसे। ठीक जी डॉक्टर सलमान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी जी मैम, जो मेरे सन है मैम, ही इज 10 years old। लेकिन ये कि मैम, वो जो भी होता है कि अगर वो इंडोर गेम के में है या आउटडोर में है, तो मैक्सिमम जो है वो 5 minutes से ज़्यादा वो उसमें टाइम ही देता है, यानी आफ्टर 5 minutes ही क्विट्स। उसका मैम क्या रीज़न है, व्हाट शुड आई डू? स्पैन कम है ना, आपने मेरे साथ बाबा के सेशन से अटेंड किए, उनका टेंशन स्पैन कम, आपको टेंशन स्पैन पे काम करने की जरूरत है। और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिन पे हमने काम करने की जरूरत होती है, तो टेंशन स्पैन कम होने की वजह से बच्चा वो एक्टिविटी नहीं कर पाता। वो इट कुड बी, और ये जितने बच्चे हैं वो इधर वो ऑटिज्म के हैं, वो एडीएचडी के बच्चे होते हैं, या जिनकी स्पेशल नीड होती है, बच्चे भी ना उनके वो अटेंशन स्पैन के ऊपर काम करते हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटी होती है, हर चाइल्ड की नीड डिफरेंट होती है, हमें हर एक के डिफरेंट तरीके से काम करना होता है। तो पहले जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक जो है हम ये से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक्टिविटी बहुत टाइम तक करेगा। तो वो राइटिंग भी हो सकती है, वो कलरिंग भी हो सकती है, तो ये सब चीजें में टेंशन उसका स्पैन कम होता है, तो फिर अफेक्ट करता है उनकी लर्निंग को, अफेक्ट करता है ये चीजें। नहीं मैम, स्पेशली गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, उसमें आई ट्राइड माय बेस्ट के इसको मैं, लेकिन मैक्सिमम 8 to 10 minutes के बाद ही क्विट्स। उसमें ना कोई भी गेम ऐसी नहीं है जो, जो है इंक्रीज कर देना, और दो तीन स्पोर्ट्स एक दिन रखें, डिफिकल्टी ठीक है मैम, थैंक्स। लेवल को इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कैच एंड थ्रो करें, तो कैच एंड थ्रो को डॉच द बॉल करते हैं, तो डिफरेंट तरीके से करें, थोड़ा तो डिफरेंट वे में सोके दूर से तुम कैच करो, यू गेटिंग द पॉइंट? तो तुम दूर से कैच करो, थोड़ा तो डिफिकल्ट करें उसको टास्क के, ताकि उसको भी चैलेंजिंग भी लगे और आपको खुद भी आइडिया कि अगर आपने किसी स्पोर्ट को चैलेंजिंग बनाया तो फिर आप कैसे बना सकते हैं। या आपने जंप करके कैच करो, इस तरह से कैच कर लो, उस तरह से कैच कर लो, या फिर हम एक बड़ी वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें ना वो पूरा ट्रैक बनाते हैं बच्चे के लिए, वो डिफिकल्ट ट्रैक से बनाते हैं, उसको कुछ खास नाम भी होता है कि बच्चे ने इस गुजर के जाके बॉल लेकर आनी है। तो डॉच तरीके से भी हो सकता है, जिग तरह जिग जैग तरीके से वो ट्रैक हो सकता है। तो जस्ट उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी उसको थोड़ा उसके लिए इंटरेस्टिंग उस तरह से आप कर सकते हैं, और थोड़ा डिफिकल्ट भी आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। उसको ताकि उससे वो एज ए रीइंफोर्सर टाइम थोड़ा इंक्रीज हो जाए समटाइम बच्चों पे काम कर, कंटिन्यूसली। समटाइम रिवॉर्ड काम नहीं करता, बात भी ये होती है ना। अब हर रोज बच्चा जी भूखा मैम, नहीं होता, हर रोज उसने वो चीज नहीं खानी होती। सो जो आप उसको ना आप ये करें कि आप उसके लिए टास्क को चैलेंजिंग करें, ठीक है मैम, उसको मोटिवेट थैंक करें चैलेंजिंग टास्क करने के लिए। लड़के बहुत जल्दी चैलेंजिंग चीज से मोटिवेट होते हैं, तो उसको मोटिवेट करें। जब आप खुद भी साथ कर रहे हो, वो भी कर रहा होगा साथ, एक और दो बच्चे भी करें, भाई अगर उनको कोई है तो वो भी साथ करें, तो बच्चा करेगा उस चीज को। यू मैम, वेरी गुड थैंक यू क्वेश्चन सो मैम। मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी डॉक्टर शुभ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट ओके, सेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।